शीला बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने जेल में कुछ गोलियां खा ली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर बताई। अटकलें लगाई जा रही कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की हो। बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दोपहर 1 बजे भागलपुर के कहलगांव में रैली करेंगी। इसके बाद 3 बजे गया के वजीरगंज में भी वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी बिहार चुनाव के मद्देनजर पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप में जेल में बंद अबू सलीम से शादी करने की एक महिला की अर्जी पर टाडा कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। सीबीआई कोर्ट ने शादी की अर्जी का विरोध किया। अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपी सोमनाथ भारती की 3 दिन की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है। इस दौरान पुलिस उन्हें आगरा और मथुरा ले गई जहां गिरफ्तारी से बचने के लिए वो छिपे हुए थे। एनआरएचएम घोटाले को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली से सीबीआई ने पूछताछ की है। लगभग 3 घंटे तक मायावती से पूछताछ की गई। एनआरएचएम घोटाले में मायावती से सीबीआई ने 25 सवाल पूछे हैं, जिनमें से कई सवालों को मायावती टाल गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दादरी के बिसरडा गांव में अखलाक के परिवार से मिलने आज जाएंगे। गौमांस खाने के आरोप लगाकर भीड़ ने अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी। दादरी की घटना को लेकर आक्रोश के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिहाज से अलग अलग समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने की वकालत की है। दादरी कांड को लेकर समाचार प्लस पर सबसे बड़ा खुलासा अखलाक के भाई जमील का खुलासा है। धर्म के आधार पर नहीं की गई अखलाक की हत्या, आपसी रंजिश या दुश्मनी का हो सकता है मामला, यहाँ हिंदू मुसलमान वाला कोई मामला नहीं। दादरी कांड पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार बोलते हुए कहा कि अफवाहों में कुछ नहीं होता, लेकिन अफवाहों से बहुत कुछ जरूर हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पिंक रेवोल्यूशन वाले सत्ता में हैं, अगर इतनी ही उनको नाराजगी है तो क्यों नहीं वो बीफ के निर्यात पर पाबंदी लगा देते। दादरी मामले पर सियासत तेज है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ग्रेटर नोएडा के दादरी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी बिसाड़ा गांव में मंदिर पर सभा की। आरोपी पक्ष ने भी अपनी बात रखी, गलतफहमी की वजह से हादसा हुआ है, इस पर राजनीति ना करने की नसीहत दी है महेश शर्मा। दादरी हिंसा पर कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि जब एक कैबिनेट मंत्री दादरी जाता है और खतरनाक बयान देता है तो ऐसे में पीएम को तत्काल उसका इस्तीफा मांग लेना चाहिए। दादरी में पीड़ित परिवार ने SDM आरके सिंह पर धमकाने का आरोप लगाया है। मीडिया का कैमरा देखकर SDM यहां से भागते नजर आए। बरेली के एक जल्लाद पिता की कारिस्तानी सामने आई है। उसने अपनी बच्ची को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसके सिर से दुपट्टा हट गया था। घटना भोजीपुरा थाना क्षेत्र के नैमौर गांव की है। फरुखाबाद में चुनावी रंजिश के चलते BDC उम्मीदवार के पति को बदमाशों ने गोली मार दी, गंभीर हालत में श्यामवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमीरपुर में दलित बुजुर्ग की सरेआम हुई हत्या से सनसनी फैल गई। मंदिर में दर्शन करने गए एक बुजुर्ग को दबंग ने कुल्हाड़ी से काट दिया और हैवानियत की हथबार करते हुए उसके शव को मंदिर परिसर में ही जलाने की कोशिश की। सुल्तानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने गश्त कर रहे एक सिपाही को कुचल दिया। सिपाही को आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। ये घटना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र NH 56 की है। कानपुर के थाना क्षेत्र के भोला गांव में 20 से ज्यादा ग्रामीण डेंगू की चपेट में है। इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन ना तो इलाज कराने का कोई संसाधन इनके पास है और ना ही पैसा। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से दिमागी बुखार का कहर लगातार बढ़ रहा है। बुखार से एक तरफ जहां बच्चे तड़प रहे हैं, वहीं जिला अस्पताल का हाईटेक ICU डॉक्टरों की लापरवाही की भेड़ चढ़ रहा है। बुंदेलखंड में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ना उनमें कानून का भय है, ना ही खाकी का खौफ। ताजा मामला महोबा के चरखारी कोतवाली का है जहां बदमाशों ने मां और बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मां तो किसी तरह बच गई, लेकिन बेटे को गोली लग गई जिसकी हालत गंभीर बनी।